तो डियर फाइंड आउट द करेक्ट पैटर्न ऑफ द लेटर्स टू कंप्लीट सीरीज। आपको सबसे पहले क्या करना है करेक्ट पैटर्न पता करना है अच्छा पैटर्न पता कैसे करते हैं हम थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं आपको डियर जो कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज दी होगी वो दी होगी ए बी डैश डी डैश बी डैश डी डैश बी डैश डैश यानी आपको इस तरह से एक सीरीज दे दी होगी अब आप इस सीरीज में देख रहे हैं नंबर ऑफ लेटर्स कुछ लिखे हुए हैं और साथ ही ब्लैंक भी आपको यहाँ पर कुछ मिल रहे हैं एंड आपको जो ऑप्शंस दिए होंगे डियर वो कुछ इस तरह से दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए आपको कौन से पेयर की कौन से लेटर्स की पेयर की नीड होगी तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे पहले हम इस पर बात करते हैं डेट जब कभी भी आप सीरीज फाइंड आउट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको करना क्या है आपको सारे लेटर्स काउंट करने जैसे वन टू ठीक है इंक्लूडिंग ब्लैंक थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे लेटर्स 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 हैं हैं और जब 12 हैं, तो तो का मतलब है टोटल प्लेस पर 12, तो 12 के केस में पॉसिबिलिटी ये होती है कि पेयरिंग या तो चार की होगी या तीन की होगी हमें कंफर्म नहीं है कि पेयरिंग चार की या तीन की बट पॉसिबिलिटी ये बनती है कि पेयरिंग चार की होगी या तीन की होगी साथ ही आपको यहाँ पर एक चीज और देखनी है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो डियर प्लीज तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है या तो पेयर थ्री का बनेगा या फोर का बट देखिए लेटर कितने यूज है तो हमारे जो लेटर यूज है लेटर यूज लेटर यूज है हमारे चार जो कि ए बी सी डी तो हमारी पॉसिबिलिटी बनती है कि हम चार का पेयर बनाए तो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर तो अब देखिए कुछ सिमिलैरिटी आपको मिल रही है तो डियर बी और डी सेम प्लेस पे है तो हम ए को अगर यहां रख दें ठीक है ए बी डी ए बी डी तो हमें एक लेटर अभी भी मिसिंग दिख रहा है दैट इज सी 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 यानी एबीसीडी ए बी सी डी ए बी सी डी तो आपने जो फिल किया वो फिल क्या किया आपने सी 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 ए ए ए ए डी डी यानी करेक्ट आंसर हो गया ए तो इस तरीके से ऐसे पैटर्न बनते हैं और हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से समझदारी से फोकस्ड होके समझना होगा कभी कभी क्वेश्चन में यह भी हो जाता है कि जो आपका पैटर्न बन रहा होता है ना वो बन रहा होता है ए बी सी डी स्लैश बी सी डी ए स्लैश सी डी ए बी स्लैश डी ए बी सी तो आप देख रहे हैं कि ए आगे चला गया बी सी ए डी हो गया फिर बी आगे चला गया सी डी ए बी हो गया यानी रोटेशन चल रहा है तो कभी कभी सीरीज इस तरीके से भी हमें देखने के लिए मिल जाती है अगर हम सीरीज की बात करें सीरीज ऐसे भी बनती है ए आपका ए बी फिर आपका ए बी सी फिर आपका ए बी सी डी बन जाता है फिर आपका ए बी सी डी ई इस तरह से भी आपको सीरीज देखने के लिए मिलती है कभी कभी क्या होता है कि ए बी सी आपको मिलता है फिर आपको मिलता है डबल ए बी सी फिर कभी कभी आपको क्या होता है डबल ए डबल बी सी फिर डबल ए डबल बी डबल सी यानी सीरीज में नंबर ऑफ लेटर्स लगातार बढ़ते जाते हैं ऐसी भी सीरीज हमें देखने के लिए मिलती है तो हमें हर टाइप की सीरीज को अगर समझना है तो हमें आंसर निकालने के लिए सबसे ज्यादा जो पहले फोकस करना होगा डियर वो हमें करना होगा जो सीरीज हमें दी गई है जो हमें क्वेश्चन दिया गया है हम उसी को वॉच आउट करें अच्छे से और वहां पर समझने की कोशिश करें तो 90 परसेंट होते हैं कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम एक मिनट का टाइम लेंगे यहाँ पर और ये जो एक मिनट का टाइम है ये आपको बाउंड करने के लिए ताकि एक मिनट में आप अच्छे से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओ तो डियर क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान लगाइए समझने की कोशिश कीजिए तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि अक्सर जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो हमें पहले समझना है कि लॉजिक क्या है तो यहां पर अगर आप सीरीज देख रहे हैं डियर सीरीज में आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा देखिए ए कितनी बार आ रहा है बी कितनी बार आ रहा है और रोटेशन क्या चल रहा है अगर आप इतना भी थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कर तो ले जाएंगे चलिए टाइम अप होता हुआ जब टाइम हो रहा है तो आप एक चीज देखिए मुझे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ डबल बी है फोर टाइम बी है तो लॉजिक क्या बन सकता है अगर मैं यहां पर ए ए रख दू, तो ट्रिपल A, ट्रिपल बी बना फिर देखिए फोर टाइम ए फोर टाइम बी बना अब फिर से क्या होगा ए ए हो गया यानी सीरीज कुछ इस तरह से चल रही थी तो जब आप यहां पर देख रहे हैं आपने जो फिल किया वो फिल किया ए बी बट अगर हम यहां पर देख रहे हैं लास्ट में ए तो लास्ट में ए तो नहीं बन रहा है तो एक मिनट रुक जाते हैं जब आपने यहां पर देखा तो यहां पर बना ए ट्रिपल ए ट्रिपल बी फोर टाइम ए फोर टाइम बी ठीक है तो जो सीरीज थी वो सीरीज कुछ इस तरह से थी ए बी ए ए, ए बी ए डियर uh, यहां पर एक छोटा सा एरर हो रहा है अगर इस एरर की हम बात करें देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्या हो रहा है अः uh, यहां पर ट्रिपल ए है यहां पर ट्रिपल बी है फिर फोर टाइम ए है फोर टाइम बी है तो अभी क्या हो जाएगा यहां पर क्या होना चाहिए तो यहां पर मुझे लगता है कि एक ये जो बी है ना ये गलत रख गया है यहां पर ये यह बी नहीं है यहां पर ट्रिपल बी था यस yes. यहां पर देखिए पहले क्वेश्चन में एरर हो गया कोई बात नहीं ये जो बी है आप इसको हटा दीजिए ये बी यहां पर नहीं है अब क्वेश्चन आपका करेक्ट है तो देखिए ट्रिपल ए ट्रिपल बी फोर टाइम ए फिर ए अलग हो गया तो क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था वो हमने अभी देख लिया कोई बात नहीं पहले ही क्वेश्चन गलत हो गया नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखेंगे एंड पीटीएफ जो मैं आपको दूंगा करेक्शन के साथ दूंगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझना है सीरीज को अच्छे से पकड़ने की कोशिश कीजिएगा जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा एक मिनट का टाइम है आपके पास डियर फोकस्ड के देखिए इस क्वेश्चन को टाइम अप होता हुआ समझेंगे हम लोग डियर सबसे पहला काम हमें क्या करना है हमें पेयरिंग करने की कोशिश करनी है देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व जैसे ही आपका ट्वेल्व हुआ ट्वेल्व के केस में आपकी जो पेयरिंग होगी या तो थ्री की होगी या फिर फोर की होगी बहुत बार ये भी होता है सिक्स एंड टू की पेयरिंग भी आपको देखने के लिए मिल जाती है यानी सिक्स सिक्स की दो पेयरिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है तो आप थोड़ा सा फोकस के अब आगे देखिए कि क्वेश्चन ये ऑप्शन तो भी चार दिए तो आप इसमें चार की पेयरिंग करके देखिए मान लीजिए हमने ये चार की पेयरिंग की चार की पेयरिंग की चार की पेयरिंग और देखिए ए दो बार यहां दिख रहा है अच्छा पहले इसको इससे और इसको इससे यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोर्शन को आपस में आप मैच करने की कोशिश कीजिए अगर मैं पहले दो को मैच करूं तो देखिए अगर मैं बिल्कुल मैच मैच कर कर गया गया। और वही तीसरा भी देखिए यानी हमने जो फिल किया, वो A, B, B, A, फिल किया किया वो क्या ए बी बी ए हमारा ऑप्शन में है। The correct answer is option B. तो देखिए कितना आसान था इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करना एंड प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आता रहेगा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चलो क्वेश्चन नंबर तीन के लिए मैं आपको टाइमर सेट कर देता हूं क्वेश्चन नंबर थ्री पर फोकस कीजिए डेढ़ बस जल्दबाजी मत कीजिएगा एक ही रिक्वेस्ट है जल्दबाजी मत कीजिएगा Finally, time up हुआ। तो पहले आप समझिए कि कितने कितने की थी, थे। हमारे पास एटीन लेटर्स हैं, तो सकता है 6, 6 के तीन पेयर आपको मिल रहे हैं। तो आप एक काम करिए पहले आप सिक्स के पेयर बनाइए तो एक दो तीन चार पांच छः एक दो तीन चार पांच छ दो तीन चार पांच छ अब मैं इसको और इसको मैच करूं तो मुझे क्लियर दिख रहा है सी ए बी क्लियर तो अब यहां पर देखिए सी ए डबल बी ए सी सी ए डबल बी ए सी सी ए डबल बी ए सी ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई और कितनी आसानी से हमने कंप्लीट किया हमें दिख गए कि तीन पेयर मिल गए और देखिए होता यह है कि बहुत बार ना सेम सीक्वेंस ना एक साथ अलग-अलग दिख रहा होता है मतलब तीन पैटर्न बने मतलब जो हमारा पैटर्न बना इसमें हमारे तीन पोर्शन बने तीनों पोर्शन में हमें सेम लॉजिक मिल रहा है तो हमने जो फिल किया फाइनली वो क्या फिल किया एसी बीसीबी एसीबीसीबी तो एसी बीसीबी शुड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बी इज द राइट वन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपको यहां पर दिख रहा है ए ए बी स्पेस सी सी स्पेस डी स्पेस सोचो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता और शायद इसका हिंट मैंने आपको दिया है तो मैं अभी आपको सोचने का मौका दे रहा हूं ताकि आप लोग भी भैया अच्छे से इसको देखो एंड समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को सही से अप्रोच कीजिएगा जल्दबाजी मत कीजिएगा चलिए टाइम अप होने वाला है जल्दी से आंसर कीजिए तो फाइनली आपने आ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा चलो पेरिंग देखते हैं यहां देखिए डबल ए हम हैं डबल बी डबल सी डबल डी फिर देखिए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल सी ट्रिपल डी हो गया कंप्लीट तो आपने जो फिल किया वो बी डी ए सी किया बी डी ऐसी आपको यहां पर दिख रहा है जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन था तो यहां से हटके वहां पहुंच गया सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी डी राइट वन नेक्स्ट क्वेश्चन 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 नंबर नंबर अच्छा है चलो जल्दी से आंसर करो क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको दिख रहा है ए बी सी ए स्पेस बी सी डबल ए बी स्पेस सी ए स्पेस डबल बी सी ए सी थोड़ा ध्यान से देखो और समझो क्या लॉजिक लग सकता है लेटर्स काउंट करो पोजीशंस देखो ध्यान से समझो

तीन, फिर हमें दिखा A, B, C, बट यहां पर पर के बाद स्पेस स्पेस, है, है A, B, A, B, B, तो तो हम मान लेते अब पहले सिंगल ए बी सी फिर डबल ए बी सी फिर डबल ए डबल बी सी फिर डबल ए डबल बी डबल सी एंड फाइनली खत्म हो गया तो ए बी ए सी हमारा आंसर हो गया जो हमने फिल किया

तो यहां पर देखिए सारे बी 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 दिख रहे हैं तो जब सारे बी हैं तो हम सारे बी भर दें चलेगा या सारे ए भर दें? नहीं हमें ए भी भरना होगा बी भी भरना होगा हमें जो भी भरना होगा हमें अकॉर्डिंग टू पैटर्न भरना होगा तो आपके लिए टाइम शुरू होता है अब मैं बस एक चीज जानता हूँ जल्दबाजी मत करना आप लोग आंसर मिल जाएगा लास्ट ट्वेंटी वन सेकेंड्स डियर देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। पहले क्या था? The blanks आपके आ, जो थे वो चार थे मैंने इसको करेक्शन करके फ्लिंग द ब्लैंक्स पांच थे पहले अब छह कर दिए क्योंकि ऑप्शन में नीचे छह दिया है. तो जब छह दिया है तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि लॉजिक क्या लग सकता है थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा थोड़ा सा सोचो चलो तो एक काम करता हूं टाइमर दोबारा से दे देता हूं ताकि आप लोगों तो को फिर से एक बार करने का मौका मिले करेक्शन हुआ है तो करेक्शन के साथ हमें इस क्वेश्चन को समझना भी है टाइम खत्म होने से पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है ना इस क्वेश्चन को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। आप देखिए एक दो तीन एक दो तीन चार पांच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह यानी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह दिमाग तो लगता है कि पेरिंग फोर फोर की होगी फेयर है और यही हमारे दिमाग में चलता भी है बट एक्चुअल में यहाँ ना रूल ही अलग लगा दिया इन्होंने बेसिकली क्या कर दिया अगर आप देखिए इन्होंने क्या किया इस बी को अलग कर दिया यानी यहाँ पेयरिंग हुई कितने की पांच और तीन के केस बन सकते हैं पांच का या तीन का एंड पेयरिंग एक्चुअली में जो हुई अगर आप नोटिस करते तो आप ये देखिए इस वाले पेयर को पांच इस वाले पेयर को पांच एंड ये हो गया आपका पांच 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 के पेयर बने सिमिलरिटी अगर देखेंगे तो इनकी और इनकी देखिए तो यहाँ पर बी हो जाएगा यहाँ पर भी बी हो जाएगा फोर टाइम बी फोर टाइम बी फोर टाइम बी तो हमें क्या बचा यानी लास्ट लेटर बी है तो लास्ट लेटर बी यहां है फर्स्ट में नहीं है लास्ट लेटर बी यहां पर भी है यहां पर भी है। और और लास्ट से पहला छोड़ के फिर एक बी है तो लास्ट से पहला छोड़ के यहां पर बी है तो यहां पर बी यहां पर नहीं दिया तो बी यहां पर दिया है और बी यहां पर भी नहीं है तो ये भी गलत हो गया तो अगर आप देखिए आपका करेक्ट आंसर बनेगा ये अच्छा फिल करके देखते हैं ए बी बी को इग्नोर किया फिर ए फोर टाइम बी ए फोर टाइम बी ए फोर टाइम बी यानी फिल किया वो फिल किया A, B, A, B, A, B. जो कि आपको मिल रहा है में, में right पर जो है है। वो हमारा एकदम चलिए की तरफ चलते हैं, अपने आप एक जबरदस्त क्वेश्चन है सॉल्व करना सिंपल क्वेश्चन है आसानी से हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे चलिए ध्यान से देखिए अब हमें करना क्या है थोड़ा सा ध्यान से देखना है देखिए पेयरिंग करते हैं सबसे पहले तो पेयरिंग करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इलेवन पेयरिंग जो बनेगी या तो फोर की बनेगी या थ्री की बनेगी या तो चार का या तीन का तो आप देख रहे हैं कि डबल ए भी दिख रहा है तो हम चार की पेयरिंग पहले करेंगे फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर क्या कुछ सिमिलरिटी दिख रही है यहाँ पर मुझे तो दिख रही है मुझे दिख रहा है बी ए फिर स्पेस फिर बी अगर लास्ट के दो लेटर देखूं ए बी लास्ट के लेटर बी 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 तो यानी ये ए हो सकता है डबल ए बी डबल ए बी तो डबल ए बी यहां से देखिए बना बी ए, ए, ए बी बी ए ए बी फाइनली फिल क्या किया आपने? ए, बी, बी, ए। तो, इस तो जब कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज होगी तो उसको पहचानना तो पड़ेगा और पहचानने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो बनती है

बैंकिंग के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो बैंकिंग क्लर्क क्लर्क एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हम यहाँ पर दो हजार से ज्यादा टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं साथ ही आप देखेंगे एस एस सी जो की आपका एस एस सी सी जी एल सी एच एस एल सी पीओी कॉन्स्टेबल एम टी जैसे जहां पर हम दो हजार से ज्यादा टेस्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ तैयारी कीजिए एंड एस एस सी एंड बैंकिंग के लिए कॉम्बो टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं जिसमें दस हजार से ज्यादा टेस्ट है ओनली ऑन डेवलपिंग सक्सेस तो बिल्कुल देरी मत कीजिए चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन हमारा जबरदस्त है तो चलिए टाइमर शुरू करते हैं हमारा टाइम स्टार्ट नाउ सी स्पेस डबल बी ए सी सोच के देखो लॉजिक क्या है मुझे कुछ कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है यहाँ पर बट जो मुझे दिख रहा है क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हो अगर देख पा रहे हो तो जल्दी से मुझे रिप्लाई करो चलिए देखते हैं इसको चलिए हम लोग एक काम करते हैं पेरिंग करते हैं। करते देखिए सी पहला आपका लेटर था ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एटीन पॉसिबिलिटी थ्री और सिक्स हम सिक्स की पेयरिंग करते हैं बड़ा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू थ्री फोर फाइव सिक्स मुझे एक चीज कॉमन दिख रही है यहां पर अगर मैं लास्ट में देख रहा हूँ ए सी ए सी यहाँ पर ए दिख रहा है बट सी नहीं है तो ए सी रख दिया तो देखिए सी ए बी सी ए बी तो आपने देखिए सी ए बी सी ए बी सी ए डबल बी ए सी सी ए डबल बी ए सी सी ए डबल बी ए सी हमने फिल किया ए सी बी सी बी ए सी बीसी बी तो ए सी बी सी बी यानी करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी बी इज द राइट वन बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर एट के लिए एंड दिस वन इज द राइट वन ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर तो फिलहाल आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं टाटा बाय बाय लव यू ऑल टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़िए अच्छे से समझिए जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन डेवलपिंग सक्सेस बाय बाय